بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي ناظرين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم ورحمه الله وبركاته اسان فهم القران इसके चौबीसवें सबक के लिए आपका इस्तकबाल है अब आइए इन आयात की हम प्रैक्टिस करते हैं इमरान साहब आपको प्रैक्टिस कराएंगे सूरे असर और नसर की प्रैक्टिस करेंगे असला व वाल अब हम आया करते हैं सूरत आसर की और सूरत की सबसे पहले सूरत आसुर أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا <construites> الذين <racist> <ổhei> آمنوا إيمان وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صبر صبر. أب سورة النصر لا بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورايت ورأي الناس يدخلون في دين الله دين افواجا دا خور دا خور دا خور فسبح तारीक तारीक के साथ अपने जाकमल खेरा इमरान खान अब हम आते हैं ग्रामर की तरफ नाजरीन हमने पिछले इसबाक में काला काना दा आ शाह आ जा पांच अहम अफाज सीखे जो कुरने करीम में तकरीबन तीन हजार सात सौ बार आते हैं साढ़े तीन हजार बार यानी हर बीसवा लफ्ज इसमें से है इसलिए हम आपसे गुजारिश करेंगे कि इसकी भी आप रिविजन करें प्रैक्टिस करें काला की काना की दा आ शाह और जा काना के हवाले से मैं एक चीज अभी कह दू काना का मतलब क्या है काना यानी वो था Hmm? वो वो थे। 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 तो आ, वो कानू वो सब थे जरा एक्शन से कीजिए टीपीआई काना वो था कानू वो सब थे कुंता कुंतुम कुंतु कुन्ना हम सब, हम सब थे।, थे आप उर्दू में कहते हैं हम सब कर रहे थे हम सब जा रहे थे हम सब आ रहे थे हम सब खा रहे थे तो ये थे थे जो है ना ये अरबिक में भी एडिशनल लग सकता है दूसरे अफाल के साथ जैसे जा रहे थे या अमल कर रहे थे अमल कर रहा मसल अमल कर रहा को क्या कहेंगे या अमलू वो अमल कर रहा काना था वो काम जैसे करना फैल है वो कर रहा या फैलू था काना राइट तो अरबिक में भी दोनों जुड़कर आते हैं जैसे काना या फालू वो कर रहा था ठीक है कानू या ना वो कर रहे थे कुंता था फालू आप कर रहे थे कुंथुम कुंथुम ना तुम कर रहे फालू hey, समझ में आ रहा है ना इसका ये काना का इधर माजी चल रहा है और ये फालू यू ये तफालू तफालू नफालू नफालू इधर से चल रहा है वो करता है या करेगा कर रहा है तीनों माने चलते हैं क्योंकि मुजारे यानी अभी नहीं हुआ कर रहा है या करेगा तो यू ये फालू ये ना ये फालू का तर्जुमा कीजिए वो, वो करता, करता है।, है या कर रहा है करिए इस वक्त आके समझ में आए बात फॉलू वो, वो कर रहा इतना बोलिए आप वो कर रहा यू ना वो, वो कर रहे तफालू आप कर रहे एक्शन से प्लीज तफालू आप, आप सब रहे. कर रहे हैं अफालू मैं कर रहा न फालू हम कर रहे और ये था थे था थे आप थे आप सब थे मैं था हम थे तो काना ना या फालू ये दोनों मैच होंगे काना या फालू वो कर रहा था कानू या फालूना वो कर रहे थे कुंता तफालु आप कर रहे थे कुं तुम आप सब कर रहे थे कुंत अफालू मैं कर रहा था कुन्ना न हम कर रहे थे समझ में आ गया ये मिलकर आता है और कानत कानतलू वो कर रही थी, थी। माशाला हम सीखते हैं चार अल्फाज मैंने कहा हाद आप जानते हैं वैसे बहुत मशहूर है हाद मतलब ये, ये। हाउलाई ये, ये सब जमा उसकी हाउलाई अब हादा किताब उनहाउलाई कुतुब आप कह सकते हैं हाद हाउलाई और दालिका वो इधर हुआ बैठा हुआ है इधर अंता है तो हम बीच में रख रहे हैं उसको दालिका वो हुँ? उलाई का वो सब, सब। हाद ये हा उलाई ये, ये सब दालिका वो, वो उलाई का वो सब तर्जुमा कीजिए हाद हा उलाई उलाईका हादा हा उलाई दालिका उलाईका हाद उलाई दालिका उलाईका वो सब अब सिर्फ अरबी बोलिए सोचते हुए हाद हाउलाई दालिका उलाईका अपनी किताबों की तरफ हम इशारा कर रहे हैं एक किताब कई किताबिका उलाई का हादा हाउलाईलाई का अब मेरे साथ बोलिए आप

मैं जिस कंपनी में काम करता हूं, वो कंपनी ये कहती है कि अगर आप 15 मिनट एक्स्ट्रा टाइम देंगे चूंकि लोड बहुत ज़्यादा है प्रोजेक्ट्स बहुत हैं, काम बहुत है अगर आप 15 मिनट ज्यादा देते हैं वक्त तो आपकी सैलरी में हम 25 फीसद इजाफा कर देते हैं 15 मिनट दीजिए क्योंकि हमको टाइम चाहिए आपका अफास्ट कीजिए आप बीस कमाते हो रुपया रियाल डॉलर जो भी हो बीस हजार कमाते हो, तो पच्चीस फीसद होगा उसका पांच हजार और बीस दिन काम करना पड़ेगा अगर आपको हफ्ते में दो दिन छुट्टी भी हो तो पांच हजार बटा बीस यानी रोजाना के दो सौ पचास रोजाना के दो सौ पचास जाहिर है कि मैं हूं आप हैं हम सब हैं हम सब कहेंगे पंद्रह मिनट के पच्चीस फीसद पहले मेरा नाम लिखिए भाई जब कमाना ही है और पंद्रह मिनट में पच्चीस फीसद एक्स्ट्रा मिल रहा है और अगर ये सीक्रेट अनाउंसमेंट हो तो जिसको मैं ना बोलूं वो मुझसे गुस्से में होगा या आप मुझे ना बोलेंगे मैं बहुत गुस्से में होगा कि ये क्या दोस्ती है यार बताया नहीं तुमने भाई ऐसी डील थी कंपनी में कितने जो है खुदगराज हो तुम फला और झगड़ा होगा उस पर लेकिन अगर ये कह दिया जाए कि भाई पंद्रह मिनट के लिए कुरान पढ़ेंगे हम रोज़ाना तो हम क्या कहते हैं स्टैंडर्ड आंसर हमारा हम बिजी हैं उस वक्त जो है बिजी नहीं कहेंगे उस वक्त तो बेगम भी घर से ढकेलेगी जाओ जल्दी जल्दी आने की जरूरत नहीं है अभी हुँ? और इन्हें हर कोई जो है कोई शिकायत नहीं करेगा कि भाई वक्त नहीं है लेकिन इस वक्त हर एक का बहाना हम करेंगे भाई वो कहेगा ये कहेगा वो बिजी यहां बिजी अगर मैं उस ओवर टाइम के लिए तैयार हूं जिसके लिए रोजाना मुझे ढाई सौ रुपये मिलते हैं लेकिन कुरान के लिए पंद्रह मिनट भी तैयार ना हो तो जबान से चाहे कितनी ही मोहब्बत के दावे करूं प्रैक्टिकली स्पीकिंग आज के दिन जो कि मेरी जिंदगी का आखिरी दिन भी हो सकता है कुरान की कीमत ढाई सौ रुपये भी नहीं है यह मैं अपने शैतान को भगाने के लिए कह रहा हूं कि हमने जो बहाने तराश लिए और शैतान हमें तरह तरह से अपने आप को कहता है कि यार मैं बिजी हूं टाइम नहीं है तो शैतान को भगाइए मैं किसी को बरास करने के लिए नहीं कह रहा हूं मैं हमारे पास शैतान ने ऐसा दिन पे कब्जा जमाया हुआ है कि हमारे पास कुरान पढ़ने के लिए टाइम ही नहीं निकलता तो तरह तरह से हमने ये बात को पेश किया है कि कुरान को पढ़ना चाहिए उन्हें बताया था ना हैबिट के लिए तीन चीजें चाहिए नॉलेज स्किल एटीट्यूड मालूम होना चाहिए आपको क्या करना है कैसे करना है और ख्वाहिश होना चाहिए हमको मालूम है कुरान पढ़ना है क्यों पढ़ना है ये भी मालूम है कैसे पढ़ना है ये भी मालूम है असल मसला ये है तो इसीलिए ये सारी मिसालें दी जा रही नुक्ते शौक और खौफ की नाजरीन रहमतुल्लाहि व बरकातहू आसान फहम कुरान इसके तहत आज हम पच्चीसवें सबक को शुरू करते हैं याद रहे हमारे इस कोर्स के दो हिस्से हैं पहला हिस्सा पच्चीस असबाक पर मुश्तमिल है और आज पच्चीसवा सबक है ये बुनियादी नमाज का हिस्सा है इसमें चंद आयतें मज़ीद शामिल की गई थी ताकि आपको वो अल्फाज़ जो कुरान करीम में बहुत बार आए हैं तकरीबन चालीस हजार बार आए हैं इसी के जरिए से आपको सिखा दिए जाए अलहमदल्ला आज की हमारी इस सिलसिले की आखिरी क्लास है इनशा अगली क्लास से हम दूसरा हिस्सा शुरू करेंगे और उसमें मजीद और दिलचस्प चीजें और मजीद अल्फाज सीखेंगे तो आइए शुरू करते हैं सबक नंबर पच्चीस इसमें लेंगे हम मजीद अब तक हमने जो अल्फाज सीखे वो नए अल्फाज 241 थे लेकिन इन 241 में 100 डेढ़ सौ के अतराफ ऐसे हैं अल्फाज जो बयालीस हजार बार आए असल में हम पचास फीसद के काउंट से आगे बढ़ गए हैं लेकिन हो सकता है और है भी कि बाज अल्फाज के दूसरे माना हो वो दूसरे मानों में अल्फाज कम इस्तेमाल हुए तो भी हम इनशाला पचास फीसद का टारगेट कंप्लीट कर रहे हैं ऑलमोस्ट और इस सबक से भी तकरीबन चालीस अल्फाज तकरीबन डेढ़ हजार बार आए हैं इसमें वो टुकड़े शामिल हैं बा जिसको हमने इस्तेमाल किया था लेकिन उनका लफ्जी तर्जुमा सीखा नहीं और बाज दीगर टुकड़े भी शामिल है जैसे ये एक टुकड़ा है हादा हादा की मिसाल के लिए एक टुकड़ा बेहतरीन है और हम सब जानते हैं अक्सर लोगों के घरों पर लिखा हुआ होता है कि मिन हाजाम रब्बी इस पर हमारे एक दोस्त ने बड़ा दिलचस्प नुकता कहा कि हाजाम मिन फत रब्बी लिखने के साथ साथ जो है आयत को कम्पलीट लिखना चाहिए ताकि बहुत अच्छा रहे ये सलेमानसलाम का कौल है उन्होंने कहा मिन रब्बी अम अकफुर रबीअ मेरे रब का फजल है आपने बड़ी बिल्डिंग खड़ा की माशाल्लाह अल्लाह ताला आपको और नवाजे

हादमिन अम अखर कम से कम इतना लिख लिया ताकि वो मुझे आजमा ये घर जो मिला है ये प्रॉपर्टी जो मिली है ये आजमाइश है कि मैं इसमें शुक्र करता हूँ या ना शुक्री करता हूँ शुक्र के साथ कुफर जब आता है तो आमतौर पर ना शुक्री का माना है अब सलाह मिन न खैर के लिए बेहतरीन मिसाल है खैर यानी बेहतर और खैर जो है कुरने करी में एक सौ छियासी बार आया है बेहतर बेहतरीन बेहतर है नमाज नींद से बेहतर है असला सलामती हो आप सब आप हमने अला के लिए इस्तेमाल किया था और आन के लिए रौदिया रौदिया राजी हुआ असल में रौदिया का मतलब राजी हुआ मगर यहां दुआ के माने में राजी हो अ या उन सहाबी से अल्लाह रा, उस औरत से या उन सहाबिया से ओके मन रब का कबर के दो सवाल मन यानी कौन मन रबु का कौन है तेरा रब माँ दीनू का क्या है तेरा दीन मन और माँ बहुत अहम है मन तकरीबन आठ सौ बार माँ दो हजार एक सौ बार दोनों मिलके तीन हजार बार मन रब्बू का कौन है तेरा रब माँ दीनू का क्या है तेरा दिन ये दोनों खबर के सवाल हैं लेकिन तीसरा सवाल कैफा हालुक यही मालूम फरिश्ता पूछेगा या नहीं पूछेगा कई फालुका कईफा यानि कैसा हालुका हाल आपका हाल तेरा हाल कई का क्या है तेरा हाल हम ये सवालात बताना चाह रहे हैं मन यानी कौन महा यानी क्या और कैफा यानी कैसा और ये भी हमने आपको बताया मन शुरू में आए तो कौन बीच में आए तो जो महा शुरू में आए तो क्या बीच में आए तो जो और कई फा शुरू में आए तो कैसे बीच में आए तो जैसे, जैसे। और माँ का दूसरा माना और एक अहम माना नहीं फी माफी फिर अरब वर्ल्ड चलिए कम किए की फी माफी फी है इन देर में है फी यानी में है माफी उसमें नहीं है नट इन देर माफी नहीं है और इन भी हमने सीखा इनकी मिसाल पर इन यानी अगर शाह चाहे अल्लाह अगर चाहे अल्लाह इंशाला हमारे लिए दो के लिए काम कर रहा है इनकी मिसाल इंशाला है और शाह की मिसाल इनशाला है ये तो ऐसे टुकड़े हैं जिसको आप जानते हैं लेकिन एक बार हम इसका तर्जुमा प्रैक्टिस कर लेते हैं मैं गुजारिश करता हूं खारी साहब से कि प्रैक्टिस कराएं लेकिन जुमलों को किरात के अंदाज में नहीं بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. هذا من فضل ربي هذا من فضل ربي. الصلاة خير من النوم من ربك من ربك ما دينك من ربك ما دينك, ربك ما دينك ان شاء الله इन शाह अम्मा इन शाह अम्मा इन शाह अल्लाह के रसूल वसल्लम ने फरमाया अगर मगर की बात मत किया करो अगर हम बचपन में हमें कुरान सिखाया जाता तो आज हम कुरान पढ़ रहे होते समझ अगर ऐसा अगर ऐसा आज से क्या प्लान है सिर्फ अगर अगर ही करते रहोगे आज से क्या प्लान है अगर हम इस बात में सीरियस हैं मुखलिस हैं संजीदा हैं तो आज से हम टाइम निकालेंगे बजाय उसके कि हम माजी का रोना रोए आज से प्लान कीजिए और ये भी इन्हें देखिए आप पर्सनालिटी डेवलपमेंट का अजीमशान राज है कि इंसान जो है माजी पर रोता ना बैठे कि अगर ऐसा होता तो जो अगर ऐसा अगर मैं वैसा करता तो आज ऐसा नहीं होता बस बंद कीजिए जो हो गया वो कदर का हिस्सा था खत्म हो गई बात अब क्या है अब क्या इरादा है आज से प्लान कीजिए मैं खारी साहब से और गुजारिश करूंगा कि वो आपको तशाह दुरूद और दरूद के बाद की दुआ ये तीनों की प्रैक्टिस कराएं हमने इससे पहले चारों कुल की प्रैक्टिस कराई थी जो कि आप नमाज में अक्सर पढ़ते हैं अब हम उनसे गुजारिश करेंगे तशाहुद और दुरुद और उसके बाद की दुआ ये तीनों की प्रैक्टिस कराएं ताकि ये भी मजबूत हो जाए और इस क्लास के साथ ही जैसा मैंने कहा ये हमारा पहला हिस्सा कोर्स का खत्म होता है इसलिए हम इसको अदा कर रहे हैं ये चीजें मजबूत हो जानी चाहिए आपके अंदर बिस्मिल्ला والطيبات التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي السلام عليك أيها النبي, السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته السلام علينا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله. وأشهد أن محمداً عبده ورسوله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله अल्लाह से दुआ है कि वो मुझे और आपको कुरान करीम पढ़ने समझने अमल करने और फैलाने की तोफ़ी दे इनशा अगले सबक में आपसे मुलाकात होगी अभी से नीयत कीजिए कि इन शाह हम इस प्रोग्राम को अगले ही प्रोग्राम ही के लिए नहीं बल्कि हमेशा हमेशा के लिए जब तक ये प्रोग्राम ख़त्म न हो और उसके बाद भी कुरान की स्टडी को हम हमेशा जारी रखेंगे मरते दम तक सुबह अल्ला बहमदी सुबह का नषदा والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته